Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am gonna share with you my indoor plants, that is money plant and snake plant. ये दो plant ही हैं मेरे पास indoor के लिए. तो इसको मैं आज report करूँगी एक beautiful सा metal stand पे जो मैंने recently order करी है Amazon से. तो ये रहा मेरा plants जो मैंने plastic bag पे रखी थी. And आपको तो पता ही है मैं online जो plastic bag मिलता है उसको मैं ऐसे reuse कर लेती हूँ. तो ऐसे reuse कर लिया मैंने इसको, but room पे रखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना दिखने में. तो इसीलिए आज इसको मैं report कर लूँगी ब्यूटिफुल सा metal planters में. तो इसीलिए मैंने दो छोटे छोटे प्लास्टिक का पॉट ले आई थी मार्केट से. एंड वहाँ पे मैंने 3 होल बना लिया, उसमें मैंने स्टोन से भर दूंगी ताकि इजीली वाटर ड्रेन आउट हो सके. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सॉयल मिक्सचर डाल दूंगी. अब ये जो सॉयल मिक्सचर है वो पहले से ही मैंने प्रिपेयर करके रखी थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार सॉयल मिक्सचर प्रिपेयर करना. तो एक बार मैं ज़्यादा अमाउंट पर प्रिपेयर करके रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो ले लेती हूँ. अब देखिए जो मेरे मनी प्लांट है इसका मैं किस पे रखी हूँ, एक प्लास्टिक के कटोरी कह सकते हो या फिर मग कह सकते हो, उसमें मैंने रखी थी. एक्चुअली मैंने ये घर पे बनाई थी, 2-3 ब्रांच को मैंने कट करके ऐसे जगह पे लगा दिया. सोचा मैंने जब रूट हो जाएगा तो इसको रिपोर्ट कर लूँगी, बट फिर रिपोर्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया. तो अब सोच रहे हो अब रिपोर्ट करने की बारी है. एंड ये मैंने घर से लाई हूँ, मेरे मायका से. दोनों प्लांट ही मैंने मायका से लाई हूँ, वहाँ पे और भी है तो मैंने कुछ इस घर के लिए भी लाई हूँ. मैं इतने दिन बाद में इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, देखिए कितने सारे रूट्स हो चुके हैं. तो अब ये जो प्लांट है इसके साइड का जो मिट्टी है इसको मैं थोड़ा हटा दूँगी एंड न्यू मिट्टी से इसको भर दूँगी क्योंकि न्यू मिक्सचर में है बहुत सारे खाद. तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी, जो नए पॉट है इसमें डाल दूँगी एंड जो सॉयल मिक्सचर है उसी से भर दूँगी. ये जो सॉयल मिक्सचर मैंने बनाई है इसमें है 50% सॉयल, गार्डन सॉयल, 30% खाद. जनरली मैं काउडंग इस्तेमाल करती हूँ, घर पे जो किचन वेस्ट बनता है उसी से आप खाद बना सकते हो. तो खाद मैंने इसमें डाली है 30% एंड 20% मैं सैंड मिलाई हूँ ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरा बने एंड ईजिली वाटर ड्रेन आउट हो जाए, यहाँ पर वाटर ना रह पाए ज़्यादा देर तक. इसमें ना क्या प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा वेट इसका बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सॉयल है. अगर आप नहीं चाहते हो आपके पॉट का वेट ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे सॉयल मिक्सचर में सॉयल की जगह आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हो तो वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. तो मनी प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दी है, अब बारी है स्नेक प्लांट की. स्नेक प्लांट एक्चुअली मैं घर से लाई थी, मैंने पहले ही बताई 2 प्लांट ही घर से लाई थी. तो ये जो स्नेक प्लांट है तो मेरे पास पॉट नहीं था तो इसीलिए मैं प्लास्टिक बैग के अंदर इसको लगा लिया. जब तक ना रूट बन जाए तब तक इसमें रहने दिया मैं. अब रूट बन चुकी है तो इसको इसीलिए भी रिपोर्ट करने वाली हूँ. तो पहले मैंने ट्राई किया कि ऐसे ओपन करूँ बट ऐसे ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि मिट्टी जो है बहुत भुरभुरा है, इसमें खाद एंड जो सैंड है वो ज़्यादा है, मिट्टी कम है क्योंकि रूट लाना था जल्दी जल्दी. तो इसीलिए मैंने खाद एंड सैंड ज़्यादा दे दिया एंड इसमें सॉयल थोड़ा कम था. इसीलिए देखिए कितना भुरभुरा है मिट्टी, पूरा ओपन करती ऐसे सारे मिट्टी खुल गया. अब जो इसको मैं रिपोर्ट कर लूँ, अब इसको मैं पॉट में डाल दूँगी बट पॉट पर डालते ये सारा अलग हो गया, मतलब मिट्टी जो है पूरा खुल गया. तो अब क्या करूँ, 1 by 1 मैं एक साथ लगा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए कितना कम कम रूट बना है, रिसेंटली रूट बना है ना तो थोड़ा छोटा छोटा है इसका रूट्स. तो मैं लगा दूँगी, मेरे घर पे मनी प्लांट भी बहुत सारे हैं एंड स्नेक प्लांट भी था तो इसीलिए मैं घर से दोनों प्लांट्स ही लाए. एंड मेरे जो मैंने बताया ना आपको, ये 2 पॉट में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 स्टैंड मिलता है आपको, बट और कोई मेरे पास 2 इंडोर प्लांट्स है तो मैं 2 ही लगा लूँगी. अब जब बाद में मैं नर्सरी से या फिर कोई शॉप से लाऊंगी कोई इंडोर प्लांट देन अलग से एक प्लांटर है उसको भी इस्तेमाल कर लूँगी. तो ये देखिए स्नेक प्लांट को भी मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर लिया, पूरे मिट्टी से भर दिया. अब मैं दोनों प्लांट को ही अच्छे से वाटर दे दूँगी. मनी प्लांट को भी अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी पानी से क्योंकि बहुत मिट्टी फिट्टी लग गई ना इस पर इसीलिए. एंड इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी यहाँ पर ही जब तक ना ड्रेन आउट हो जाए सारे वाटर. तो देखिए मैंने रूम पे ले आई हूँ, सारे वाटर ड्रेन आउट हो चुकी है. अब इसमें इसको रख दूँगी ये प्लांटर पे. ये 3 प्लांटर मैंने बाई करी है अमेजन से, ये मेटल के प्लांटर से. तो मैंने मनी प्लांट को ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ, अब यहाँ पे मुझे करनी है स्नेक प्लांट. यहाँ पे मैं एक ट्रे दे दूँगी ताकि इसका जो वाटर है ड्रेन आउट हो जाएंगे, जो वाटर वो यहाँ पे स्टोर हो सके, मेरे जो प्लांटर से उसको ख़राब ना करे इसीलिए. तो मैंने इसको भी रख दिया. अब इसका जो माउथ है ये देखिए थोड़ा बड़ा हो चुके तो इसीलिए ये ना अंदर तक नहीं जा रही है, बट आप अगर बाय करना तो थोड़ा छोटे साइज़ का बाय करना, अगर अंदर चला जाए तो अच्छा लगता है दिखने में.
तो ये देखिए मेरे पास कुछ कलरफुल स्टोन्स थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे सॉयल दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो ये जो स्टोन है आप डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आप नहीं चाह रहे हो, आपको सॉयल अच्छा लग रही है दिखने में, तो आप सॉयल ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई स्टोन या फिर डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मुझे अच्छा लग रही है तो मैंने डेकोरेट कर लिया इसको। और मनी प्लांट पे मैंने कुछ भी स्टोन नहीं डाला क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे ना, पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया। तो ये रहा मेरा प्लांटर्स एंड माय इंडोर प्लांट्स। प्लांटर्स आर वेरी गुड, दिखने में भी अच्छा लग रही है, बट इसका प्राइस थोड़ा ना ज़्यादा है। मुझे 1500 में मिला 3 प्लांटर्स, तो 1 प्लांटर्स का हो गया 500, तो ये थोड़ा कॉस्टली है बट अच्छा लग रही है दिखने में, तो इसलिए मैंने रख दिया। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हो उसको। इंडोर प्लांट रूम पे रखने से रूम का जो लुक है वो चेंज हो जाते हैं, एंड साथ में ये प्लांट्स एयर प्योरीफायर है, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो जाते हैं। मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।